नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीजी चंडीगढ़ के बीएससी पैरामेडिकल और बीपीएच कोर्स के लिए जिन स्टूडेंट ने 5 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो दिया था, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक आपको इंपॉर्टेंट टास्क करना है 16 अगस्त को, तो नया नोटिस आपका जारी हुआ, तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। साथ ही साथ जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो उनके लिए जो काउंसलिंग है वो आपकी 22 अगस्त को होगी। तो 22 अगस्त को बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होगी, और आपका बीएससी पैरामेडिकल और बीपीएच कोर्सेज का रिजल्ट बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। अब हम बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। तो नोटिस में दे रखा है, इट इज इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी पैरामेडिकल एंड बीपीएच कोर्सेज। तो उन सभी स्टूडेंट्स को आपके जो 10+2 का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। 10+2 का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको वेबसाइट पे अपलोड करना होगा 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को आपको जो आपने अगर डीएमसी अपलोड नहीं कर किया, अदर कोई भी डिप्लोमा और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं कर रखा है वेबसाइट पे, जो आपकी वेबसाइट है pgmr.edu.in जो लॉग इन करके, तो वहाँ पर आप अपलोड कर पाएंगे 16 अगस्त को। तो जो जो स्टूडेंट ने अभी तक उसमें अपलोड नहीं किया तो 16 अगस्त को अपलोड कर सकते हैं। अगर वो आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका आगे आपके एडमिशंस के लिए आप कंसीडर नहीं होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि बीएससी पैरामेडिकल और बीपीएच कोर्सेज के लिए जो आपका 10+2 का डिप्लोमा या अदर कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने अभी तक अपलोड नहीं किया है तो आपको अपलोड करना होगा 16 अगस्त को, ट्यूसडे को। तो सभी स्टूडेंट्स को 16 अगस्त को ये अपलोड करना है। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आप आगे एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं होंगे। तो जल्द से जल्द 16 अगस्त को आपको ये अपलोड करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।